हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम इकोनॉमिक्स कंसेप्ट एंड प्लानिंग लेसन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक के सेक्टर। इकोनॉमिक के सेक्टर में हमने थ्री टाइप्स के सेक्टर पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंड था हमारा सेकेंडरी क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा टेरिटरी क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के बारे में हमने जाना था। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे देखा जाए तो इनका मीनिंग हम सेम ही देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास होना, पर जब मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो बहुत से डिफरेंसेस आपको यहाँ पर समझ में आएंगे। आज के टॉपिक शुरू होने से पहले मैं एक आपको नॉर्मल वे में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा जाता है कि ये कि नेचुरली है, यानी कि अर्थव्यवस्था में विकास होना या प्रगति होना एक बहुत ही नेचुरल है। वो कैसे है, एक एग्जाम्पल हूँ तो हम देखेंगे कि किसी भी देश की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो स्कूलों में भी एडमिशन बढ़ेंगे, बट ऑब्वियस है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। लेकिन स्कूलों के में स्टूडेंट्स के बढ़ने की चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बढ़ने की संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यानी आप समझ रहे होंगे कि इकोनॉमिक जनसंख्या बढ़ी, आपकी पॉपुलेशन क्या हुई, आपकी इंक्रीज हुई, तो स्कूलों में आपके एडमिशन भी इंक्रीज हुई, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या आपकी इंक्रीज हुई। ये एक नेचुरल चीज़ है, तो ये आपकी क्या हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। पर मैं कहूँ कि जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या इंक्रीज हो रही थी, वैसे हमने देखा कि उस स्कूल की मेरिट लिस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी, यानी कि स्पोर्ट्स में, कल्चर, अदर एक्टिविटीज़ में भी क्या हो रहा था, पार्टिसिपेट कर रहे थे, और मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी। यानी कि अब वो स्कूल में, मैं क्या बताऊँगी, ये नेचुरल चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छा विकास होगा, तब आपको क्या होगी, मेरिट लिस्ट हाई जाएगी। अन्य क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा जैसे स्पोर्ट्स है या अदर एक्टिव कल्चरल एक्टिविटी में, तो उस तरीके से अगर स्कूल का विकास हो रहा है तो वो मैं क्या कहलाऊंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जो चीज़ नेचुरली हो रही है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है, और जो चीज़ें हमारे द्वारा डेवलप की जाती है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक डेवलप कहलाती है। आइए हम इकोनॉमिक की लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डायग्राम दिख रहा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में कहा गया है कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ये एक इंडस्ट्री के द्वारा गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस यानी ये सर्विस दे रही है और ये गुड्स प्रोडक्ट कर रहा है, को इंक्रीज़ करना, यहाँ आपको इंक्रीज़ का डायग्राम दिख रहा है, को इंक्रीज़ करना है क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। वैसे मैं बताऊँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना। हमने अभी लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था कि GDP के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से विकास होता है, तो वहाँ देखा था भारत के भौगोलिक क्षेत्र में हम जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें वो हमारा क्या कहलाता है, GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पादन। तो वो GDP ही अगर इंक्रीज़ हो रहा है, आपका ये गुड्स एंड सर्विस है, ये क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज़ हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक पर्सन की इनकम में इंक्रीज़ होना, किसके अकॉर्डिंग, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। तो यहाँ मैं आपको एक मात्रा दे रही हूँ, जैसे कि कैसे है कि मात्रात्मक परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि क्वांटिटी परिवर्तन कैसे होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, हम कैसे देखेंगे। सपोज 2018 में हमारे GDP या मैं ये कहूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी 10 करोड़ थी, 2019 में मैं कहूँ कि 12 करोड़ हो गई, तो मैंने आपको क्या दिया, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया कि पहले 10 करोड़ थी अब 12, यानी कि 2 करोड़ का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ। तो ये क्वांटिटी, तो यहाँ बताया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ को आप क्वांटिटी के द्वारा आप समझ सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ क्वालिटी नहीं बताई है आपको, क्या बताया, केवल क्वांटिटी बताई है। और एक ग्रोथ होना, जैसे कि हमारा भी है, हम अगर पढ़ाई में भी देखें तो और पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे हम आगे वाली क्लासों में हम जाते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीमेंट आता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्र उत्पादन में भी क्या होता है, एक सतत वृद्धि दर बढ़ती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे फर्स्ट बताऊँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि GDP इंक्रीज़ होती है, GDP यानी कि कोई भी एक कंट्री में,
प्रोडक्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विस एक कंट्री, यहाँ ध्यान रखना है ये कंट्री के अंदर तक की भौगोलिक सीमा की बात की गई है, वहाँ पे प्रोडक्ट किए गए गुड्स एंड सर्विस को मैं क्या कहूँगी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है, घरेलू यानी अपने ही देश के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर। तो जब ये जीडीपी इंक्रीज होगी तब मैं क्या कहूँगी कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, यानी मेरी आर्थिक प्रगति हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे आपकी लैंग्वेज में देख लेते हैं, इकोनॉमिक की लैंग्वेज में इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कहा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू द राइज इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्शन, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम यानी कि आय, हर पर व्यक्ति की इनकम, हमने पर व्यक्ति की इनकम है यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमने देखा था कि कितना, दस, अगर 10,000 हमारी इनकम हो रही तो हमने डिवाइड किससे किया था, पॉपुलेशन से हमने डिवाइड किया था। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू एक्वायर इफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज बाय एनी मीन्स। वी कैन एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ अनदर वे, इकोनॉमिक ग्रोथ अनदर इज एन इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ ए नेशनल ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पर्टिकुलर टाइम यानी कि अभी मैंने आपको कहा कि 2018 में आपकी जीडीपी थी 11,000, 2019 में आपकी जीडीपी हो गई 15,000, तो ये क्या होगा एक पर्टिकुलर टाइम, एक साल के अंदर आपने देखा कि इकोनॉमी कितनी ग्रोथ हुई है, आपने यहाँ देखा कि 4 करोड़ की इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपको पूछा जाएगा तो आपको बतानी होगी। आई होप आप सभी को इंटरेस्ट आ रहा होगा, कोई भी सब्जेक्ट में जब हम एक इंटरेस्ट से लेंगे, और वैसे भी हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये सोशल साइंस है, इसमें हम यानी कि हमारी सोसाइटी को देख करके हम हर कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि आप अपने ही घर में या अपने पे भी देखो कि आप कहीं भी जॉब करने लगते हो, वहाँ आप सबसे पहले 10,000 कमा रहे थे, अगले साल आपका इंक्रीमेंट हुआ कि 15,000 कमाने लगे, तो ये 5,000, ये एक मैंने आपकी क्वांटिटी बताई, अभी मैंने नहीं बताया कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी आई है, नहीं, आपकी पैसों की कितनी क्वांटिटी बढ़ी है, 5,000, यानी आपको इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से आपका ग्रोथ हुई है, आपकी प्रगति हुई है। वैसे एक और साल आप जाओगे तो आपकी इनकम 20,000 होगी, तो आपने ये भी देखा कि पहले साल 10, अगले साल 15, यानी कि कंटिन्यू क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने ही आसपास के सोसाइटी के एग्जाम्पल देख करके आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए सस्टेनेबल इंक्रीज ओवर ए लॉन्ग पीरियड इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉर्मली बीन एसोसिएट विद इंक्रीज इन मटेरियल वेलबींग, दैट इज क्वांटिटी प्रोडक्ट पर पर्सन विथ ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कहा गया आपके पर पर्सन की इनकम इंक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू किससे, पॉपुलेशन से, ठीक है। हिंदी में भी इसे समझ लेते हैं, आर्थिक प्रगति यानी आर्थिक विकास ने राष्ट्र की आय और प्रति व्यक्ति आय उत्पादन में, यहाँ प्रति व्यक्ति आय कर ले, प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख किया है, कहा जाता है यानी कि आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में किस चीज़ का उल्लेख किया जाता है कि आपकी आय कितनी, हमने देखा 10,000 से 15 हुई आपकी आय, प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। कहा जाता है कि अगर अच्छे और सेवाओं, आपका कहा गया है कि अच्छे का मतलब यहाँ पे आप गुड्स कर ले यानी कि मांग और सेवाओं का उत्पादन किसी भी तरह से बढ़ता है तो आर्थिक विकास होता है। अभी मैंने आपको कहा कि जीडीपी यानी आपके देश में भौगोलिक सीमा में उत्पादन और सेवाएं जैसे इंक्रीज हो रही है, आपका उत्पादन बढ़ रहा है सेवाओं का या आपके माल का, तो वो आपका क्या कहलाएगी, आर्थिक विकास कहलाएगी। हम आर्थिक विकास को एक और तरीके से समझ सकते हैं, आर्थिक विकास एक और क्योंकि एक विशेष अवधि में एक राष्ट्र के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जिसे कि यहाँ जीडीपी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित सामग्री वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में लंबी अवधि में आर्थिक विकास में नियंत्रण वृद्धि है। अगर मैं ये ही आपको डेफिनेशन को मैं अगर आपको पॉइंट्स में याद करवाऊँ तो सबसे पहला पॉइंट्स आपका क्या होगा, आर्थिक प्रगति या विकास किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि जहाँ इनकम बढ़ रही है या मैं ये कहूँ उत्पादन और सेवा उत्पादन बढ़ रहा है हमारा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रगति कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि पर कैपिटल इनकम हमारी यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है।
दूसरा है कि मैं क्वांटिटी में इसको मेजरमेंट कर रही हूँ, ठीक है ना। और एक ये बहुत ही लंबी, क्योंकि हर साल इंक्रीज होगी तो ये क्या एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको ग्रोथ बताई जाती है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है कि ये कंटिन्यूसली वृद्धि है, यानी कि एक सतत वृद्धि है। चार पॉइंट्स देखें, वस्तुओं सेवाओं में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। हर व्यक्ति की इनकम बढ़ना या फिर मैं ग्रोथ रो में जीडीपी का इंक्रीज होना, एक मात्रात्मक रूप में और राष्ट्रीय उत्पादन में एक सतत वृद्धि होना, यानी कि कंटिन्यूसली हर साल इंक्रीमेंट होने को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। विकास आमतौर पर सामग्री भलाई में वृद्धि के साथ जुड़ी होती है, यानी बढ़ती आबादी के साथ में प्रति व्यक्ति उत्पादन मात्रा। आगे हम देखेंगे अभी कि वाइड टर्म्स आ रही है हमारी, वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि आज का हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी तक तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। यहाँ हमें समझ में आया, चार चीज़ें समझ में आई हैं, वहाँ हमने मात्रात्मक को ही देखा था ग्रोथ में। जब मैं ग्रोथ के साथ में वेलफेयर यानी कि आपके कल्याण को भी मैं समझूँ तो ये बहुत ही वाइड कंसेप्ट हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये सपोज ये एक मेरा बहुत ही छोटा मैंने एक क्षेत्र लिया है और एक ये मैंने बहुत बड़ा क्षेत्र लिया है, तो ये छोटे क्षेत्र को मैं क्या समझा रही हूँ, यहाँ मैं समझा रही हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी यानी हमारी इनकम बढ़ेगी, जब आपकी ये इनकम इंक्रीज होती है, सपोज आप 1 लाख कमा रहे थे, अगले ईयर आपका 1,50,000 हो गया, तो 50,000 जब ज़्यादा आपने कमाया तो आपने देखा कि मेरा घर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, अब घर में मैं क्या करूँ, एक कार लेकर के आऊँ, एक व्हीकल लेकर के आऊँ। तो अब आपने कह रहा है ये इनकम जैसे ही इंक्रीज हुई तो आपने क्या किया, डेवलपमेंट कर लिया, यानी कि अब क्या होगा, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इनकम से ही हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। जैसे जैसे ग्रोथ आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका भी डेवलपमेंट होगा, और आप कमाने लगे तो अभी हम व्हीकल लेकर के आए थे, हम घर में एसी भी लगवा लेंगे, हम बहुत ही अच्छा और बड़ा घर ले लेंगे कहीं, और हम हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर लेंगे। तो कहा गया है कि ग्रोथ बढ़ेगी तब आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब हमारे सेकंड कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इन एडिशन टू द राइज इन पर कैपिटा इनकम। 10 लाख कमा रहे थे, 15 लाख कमाने लग गए, ठीक है, पर उस 15 लाख के साथ हमें हम कुछ और एक्स्ट्रा भी कमा रहे, तो वो कुछ और एक्स्ट्रा कमाना हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि पर कैपिटा इनकम में जो एडिशनल जो राइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। वो कैसा होगा, 50 लाख हमने ऐसा कमाई, पर हमने ये देखा उसमें से हम हमारे घर को भी क्या कर लिए, इंक्रीज कर लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ा लिया, हम कहीं उस पैसों का इन्वेस्ट कर लिया, इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट के रूप में और पैसे आए, पैसे से पैसा और बना आना आपका क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। जैसे कि हम हमारे देश में भी देखते हैं कि पहले के लोग जो आप बहुत अपनी जब ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वहाँ बोलते थे कि जब हम यहाँ इस गांव में आए थे या विलेज में आए थे तो यहाँ पे न तो हॉस्पिटल था, न ऐसी अच्छी स्कूलें थी, पर अब क्या हो गया, आपकी स्कूलें भी हो गई इतनी ज़्यादा और अच्छे तरीके से फैसिलिटी हो गई है, व्हीकल्स की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, तो ये क्या हो रहा है, आपके विलेज का या आपके शहर का क्या हो रहा है, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तो ये क्या हो रहा है, अब आपका डेवलपमेंट हो रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इनकम एंड प्रोडक्शन व्हेन द फंडामेंटल डेवलपमेंट आल्सो गोज ऑन लाइक द स्ट्रक्चर चेंज, यानी पूरा स्ट्रक्चर ही आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, किस तरीके से होगा, विच इन इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। पहले जो लोग बहुत ही कम कमाते थे या गांव के लोगों को हम देखते हैं जिनकी इनकम इतनी कम होती है, वो बहुत ही सिंपल सोभर कपड़े पहनते हैं, पर जो बहुत हाई फाई सोसाइटी, हम उसको किस तरीके से देखते हैं, जो बहुत ही स्टैंडर्ड के कपड़े या उनका एक रहन सहन का लेवल बहुत ही अलग होता है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छा होता है, उसी से हमें पहचान होती है कि इनका डेवलपमेंट यानी इनका विकास अच्छा है क्योंकि इनकी इनकम अच्छी है। तो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा, वैसे हम देखेंगे स्कूल है, हॉस्पिटल है, एंड मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज इन द
कंट्रीज। यहाँ हम हमारे एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल हूँ, तो जब स्कूल में बहुत पहले पढ़ाया जाता था तो वहाँ हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते थे, अब फिर हम वाइट बोर्ड का यूज़ करने लगे, अब हम देख रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड का, स्मार्ट क्लासेस भी हमारी क्या हो गई लगी। तो ये भी क्या हुआ, आपका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुआ। इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रीज़, पहले बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ होती थी, अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होने लगी, बहुत छोटे छोटे गाँव में भी क्या है फैक्ट्रीज वगैरह भी होने लग गई है। ग्रोथ अर्बनाइजेशन, फैलिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड चेंज इज स्ट्रक्चर, चेंज इन द कंजम्पशन प्रोसेस और पैटर्न ऑफ लिविंग। कहा, मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं कि कब हम ग्रोथ या हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे, कि यहाँ हमारा मनी का एक मैंने आपको बता रखा है डायग्राम। तो जैसे जैसे हमारी मनी इंक्रीज होगी, पर मनी हमारी ज़्यादा यानी कि हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, पर किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन से हमारा अगर ज़्यादा हो रहा है, क्या मनी का इनकम, मनी या इनकम हमारी अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रही किस से, पॉपुलेशन से, तब हमारी क्या कहलाएगी, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कहलाएगी। ठीक है, आगे आपको मैं हिंदी में बता दूं कि आर्थिक विकास का अर्थ है कि प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन में वृद्धि के अलावा जब फंड विकास भी संरचनात्मक परिवर्तनों की तरह चलता है, जैसे कि लोगों को स्कूल है, जिसमें लोगों को स्कूल, हॉस्पिटल, देश में कई ढांचागत परिवर्तन के स्तर में सुधार शामिल है। आर्थिक विकास में उद्योग की वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट और बदलती आयु संरचना और खपत प्रक्रिया में परिवर्तन जीवन यापन का पैटर्न हमारा सभी का क्या हुआ है, चेंज हुआ है। आई होप वो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो ग्रोथ में हमने देखा था कि एक न्यूमेरिकली तरीके से हमने एक मैं कहूँ आपको क्वांटिटी तरीके से आपको बताया गया था कि आपकी 10,000 से 15,000 इंक्रीज हुई, बस यही बताया गया था। पर मैं जब डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की जब मैं बात करूँ तो उसमें ये बताया गया है कि आपके जैसे जैसे आपने इनकम कमाई तो आपने अदर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर भी देखी। क्वालिटी फैक्टर में कैसे, कि जैसे आपने देखा क्वालिटी स्कूल की बढ़ी, हॉस्पिटल में और सुविधाएं आई, तो ये क्या हुआ, पैसे के अलावा आपने क्या देखा, क्वालिटी भी देखी। तो केवल क्वांटिटी न देख करके जब हम क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर लेते तब हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। 10 से 15 कमाए तो हमारा वो ग्रोथ हुआ, पर 15,000 को हमने कहीं इंक्रीज़ किया उससे हमें और पैसा आया, या हमने घर को और अच्छे से एसी है वेल मैनेज तरीके से कर दिया, व्हीकल लेकर गया, तो उससे क्या हुआ, हमारा डेवलपमेंट हुआ। ये बहुत अलग डिफरेंस हो जाता है। इस डिफरेंस को मैं आपको थोड़े सारणी रूप में बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्लास 10th के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार हम यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं, आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें और इसे रीड आउट करें। इकोनॉमिक ग्रोथ में कहा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ए सिंपल इम्प्लाई द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे कि इंक्रीज इन रियल GDP, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम ए और एंड प्रोडक्शन, इट मेनली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। वहीं दूसरी तरफ कहा जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोडक्शन इंक्रीज प्लस सोशल वेलफेयर। तो यहाँ आपको एकदम क्लियर हो गया, यहाँ क्या हुआ, केवल प्रोडक्शन का यानी गुड्स और सर्विस का हम क्या कर रहे हैं, यानी इनकम ही हमारी क्या हो रही है, केवल इंक्रीज हो रही है। यहाँ हम साथ में क्या कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं, यानी हम हमारे इनकम से और अब हमारा अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो कैसे, लेवल एक लिविंग स्टैंडर्ड का आपका चेंज हो रहा है। पहले आप नॉर्मल रहते थे, बहुत ही कम प्राइस वाले कपड़े, पर अब थोड़े हाई फाई वाले कपड़े पहनने लग गए हैं, एक अपना स्टेटस मेंटेन करने लग गए हैं। स्कूल कॉलेजों में भी आपने देखा है कि वहाँ क्वालिटी बदली जा रही है, हम वहाँ पे एडमिशन लेते हैं ना कि जहाँ क्वालिटी अच्छी हो रही, तो ये क्वालिटी अच्छी यानी कि वो स्कूल अच्छा डेवलप्ड है, हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी ये एक ग्रोथ बहुत ही छोटा रूप हो जाता है, पर डेवलपमेंट उससे भी बड़ा रूप हो जाता है। एंड इट मेनली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल कल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रोथ केवल इकोनॉमिक फैक्टर में डिपेंड करती है, पर डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर के अलावा भी हम क्या देखते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में हमने क्या देखा था,
कि जैसे कि जीडीपी बढ़ना पर कैपिटल इनकम बढ़ना ये देखा था, पर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आपको मैं बता दूँ, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, आर्थिक, यानी कि मनी की सुविधा जहाँ पे नहीं हो, मतलब कि मनी के रिलेटेड वो बात नहीं हो। जैसे कि मैं कहूँ कि गरीबी कम हो रही है, साक्षरता की दर ज़्यादा हो रही है यानी कि लिटरेचर रेट ज़्यादा हो रही है, हेल्थ रेट, हेल्थ सर्विस आपकी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका ज़्यादा, तो ये सभी क्या है, इसमें इकोनॉमिकली मैं नहीं देख रही हूँ कि गरीबी, अगर पावर्टी हमारी कम हो रही है तो ये हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये इसमें कहीं भी आर्थिक या मनी को मैं लेकर के आई नहीं, जहाँ पे मनी बीच में नहीं आ रही तो वो क्या कहलाती है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हमारे कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में कि इट इज़ ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, यानी कि 10,000 से 20,000, तो मैंने क्वांटिटी यानी कि मात्रा में, मात्रात्मक संबंध देखा। क्वालिटेटिव यानी कि मैंने साथ में क्वालिटी भी देखी कि मेरे देश की या मेरे विलेज की या हमारे भी क्या हो रही, डेवलपमेंट हो रहा है, क्वालिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर ईजिली बाय द एनुअल इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। बट सेकेंड आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि इज़ ईजियर टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैन द मेजरमेंट इट, इट कैन नॉट बी मेजरेबल, ये हम मेज़र नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल में अब कितना इंक्रीमेंट, वो जो हम महसूस ही कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगला फोर्थ पॉइंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कहा गया है कि इज़ एन वन डायमेंशियल और अनडायमेंशियल कंसेप्ट, बेस इज ओनली फोकस ऑन द प्रोडक्शन डेवलपमेंट, की और प्रोडक्शन डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो कृपया ज़रूर से रीड आउट कर लें और नोट कर लें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ए मल्टी डायमेंशियल कंसेप्ट बिकॉज इट फोकस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता है, केवल एक इनकम को ही नहीं देखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कि इट इज़ जस्ट ए मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है कि इट इज़ द अल्टीमेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक, दस इट इज़ एंड इट सेल्फ, ठीक है। सिक्स पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में कि कैन बी अचीव विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेल्डम बी अचीव विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हमें यहाँ देखा ही था डायग्राम से भी, इट इज़ द मेजर कंसेप्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है कि इट इज़ द मेजर कंसेप्ट ऑफ द अंडर डेवलप एंड डेवलप कंट्री, यहाँ हम दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे एक बार इसे हिंदी में भी इनका डिफरेंस देख लेते हैं, जो भी हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स हैं ध्यान दें कि यहाँ पे आपको अंतर में यहाँ आधार जरूर बताया जाता है, यानी कि प्रकृति की क्या आप डिफरेंस कर रहे हो। तो आर्थिक वृद्धि यानी कि ग्रोथ में कहा गया कि आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक क्रमिक और एक स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है, इसमें केवल उत्पादन में वृद्धि होती यानी प्रोडक्शन में ही, जिसमें कि आर्थिक विकास में, यहाँ वृद्धि था अब यहाँ विकास है, विकास में हम देखेंगे आर्थिक विकास में प्रेरित एवं औसत गति वाला परिवर्तन होता है, इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी में भी हम देख रहे हैं, क्वालिटी में भी हम चेंजेस देख रहे हैं। सामाजिक न्याय सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय आवश्यक नहीं है, बट आर्थिक विकास में हमने देखा कि उत्पादन व आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी आवश्यक होते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि पूर्व निर्धारित लक्षण यानी लक्ष्य यानी कि आर्थिक वृद्धि में एक विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण निर्धारित नहीं होते हैं, पर विकास, आर्थिक विकास में हम देखते हैं कि एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं, इस साल में हमें इतना इकोनॉमिकली ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास करना है। घनात्मक एवं ऋणात्मक, इसमें कहा गया आर्थिक वृद्धि की दर घनात्मक के साथ साथ कभी ऋणात्मक भी हो जाती है, कोई साल ऐसा होता है कि अगर बिजनेसमैन है तो उसकी कभी कमाई नहीं भी होती है, बट इकोनॉमिक विकास में कहा गया है कि आर्थिक विकास की कल्पना केवल कब कर सकते हो, जब आर्थिक वृद्धि हो रही, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था जब आपका इनकम बढ़ेगी तभी आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जब इनकम ही नहीं होगी तो आपका डेवलपमेंट होगा नहीं होगा। देश में कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि को प्राय विकसित देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, वहीं आर्थिक विकास के बारे में कहा गया है कि आर्थिक विकास को प्राय अर्ध विकसित देशों के संदर्भ में भी प्रयुक्त किया जाता है। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये 10th क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट
हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आसान तरीके से समझे होंगे। तो थैंक यू।